फ्रेंड नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज आप बनाते हैं ये बेसन की सब्जी, जो एकदम फिश स्टाइल में बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसको बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो चलिए बता देते हैं। ये है चना का बेसन, थोड़ा सा दाल बेसन रख लिए हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये तोरी है और लहसुन है। पहले इसको पीस लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने पीस लिया है इसको। चलिए अब पहले बेसन रेडी करते हैं। बेसन में पहले मसाला ऐड करते हैं, थोड़ा सा ये सरसों और लहसुन का जो पेस्ट है, थोड़ा सा वो पेस्ट डालेंगे। ऐड करते हैं, उसके बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, उसके बाद ये लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, बस थोड़ा सा नमक, ये सबको डाल करके और अच्छी तरह से इसमें थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, इसको अच्छी तरह से घोल लेना है। कुछ इस तरह से देख सकते हैं, अच्छी तरह से इसको घोल लेंगे। देखते हैं इसको अच्छी तरह से ऐसे घोल लिया है। चलिए अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। गर्म हो चुका है, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल थोड़ा गर्म हो जाए। उसके बाद तेल गरम हो रहा है, तेल गरम हो चुका है, उसके बाद हम इसमें ये बेसन ऐड करेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम ये बेसन को डालेंगे और इसको अच्छी तरह से लास्ट लगा कर मिक्स कर करके इसको अच्छी तरह से पकाना है। इस तरह से इसको इसको 3 मिनट तक अच्छी तरह से नहीं चलाते रहना है और पकाना है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से। बाद अब इसमें हम थोड़ा सा हरी धनिया पत्ता ऐड करेंगे, इसको इस तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। इसको हमने 3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया। चलिए अब इसका पीस कट करके तैयार कर लेते हैं। दूसरा स्टेप चलिए इसका करते हैं। प्लेट ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे, तेल को पूरे प्लेट में मिक्स कर लेना है इस तरह से। देख सकते हैं, तो चलिए अब तेल हमने इसमें लगा लिया है। अब बेसन को इसमें डालेंगे, इसको इसमें सब बेसन को ऐसे ही इसमें डालेंगे। बेसन को हमने डाल लिया, इसको इसी तरह से हल्के हल्के हाथों की मदद से इसको चारों तरफ फैला देना है। उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए कुछ देर तक इसको 2-3 मिनट के लिए, जब तक ठंडा ना हो, इसको ऐसे ही करके छोड़ देना है। बेसन ठंडा हो चुका है, चलिए अब इसको हम अच्छी तरह से कट कर लेंगे। अब इसको इस तरह से कट करेंगे, देख सकते हैं आप अपने हिसाब से इसका शेप दे सकते हैं। मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। देख सकते हैं इसको कट कर लिया है। देख सकते हैं इस तरह से आप अपने डिजाइन से पीसेस कट कर सकते हैं। अब चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। चलिए हम लोग पहले अब मसाला रेडी कर लेते हैं। इसमें है सरसों और लहसुन का पेस्ट है, इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, उसके बाद 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। ये मसाला रेडी हो चुका है। टमाटर चाहिए हम लोग को, हरा धनिया चाहिए। तो चलिए अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। ये फ्राई पैन गर्म हो चुका है, इसमें हम तेल डाल देते हैं, तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। उसके बाद इस बेसन को फ्राई करेंगे। देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम इसको बेसन को इस तरह से फ्राई करके इस तरह से डालेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करके इसको निकाल लेना है।
अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इस तरह से इसको पलट पलट करके अच्छी तरह से पका लेंगे। इतनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और सबको निकाल लेंगे। इसी तरह से सबको फ्राई कर लेना है। इतनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है, ये सबको ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। चलिए सबको इस तरह से निकाल लिए हैं। तेल गर्म हो जाता है, इसमें अब हम थोड़ा सा मेथी का फूरन देंगे। तो मेथी थोड़ा सा ही डाल जाए, उसके बाद इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मसाला को एकदम लाल होने तक इसको अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। देखते हैं मसाला लाल हो चुका है, और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। उसके बाद इसमें हम ये कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को बीच में डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक ये पूरे लाल न हो जाए, पूरा टमाटर गल न जाए। मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। देख सकते हैं ये मसाला रेडी हो चुका है, टमाटर भी गल चुका है। इसमें हम पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। थोड़ा सा और पानी डालेंगे, इसको अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए उबलने देंगे। देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पक रहा है। अब इसमें हम ये बेसन का जो बनाए थे सबको डाल देंगे। देख सकते हैं सबको सब डाल देंगे। उसके बाद इसको बस कुछ देर के लिए ही, मानिए 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा इसको ज़्यादा देर तक मत पकाइएगा, बस थोड़ा सा ही, बस आधा मिनट के करीब इसको मल जाए। उसके बाद सब्जी रेडी। देखिए सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा।